मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक माननीय प्रदीप जायसवाल, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त ने प्राचीन राम मंदिर गेट का भूमि पूजन उत्साह के साथ शुभ दिवस की बधाई दी और सभी क्षेत्रवासियों को प्रदान की। जीवन में मर्यादाओं के साथ त्याग सरलता का महत्व प्रभु श्री राम ने मानव जीवन में अपनाने का रास्ता दिखाया है। 14 साल के वनवास के बाद दूसरी बार मंदिर निर्माण के लगभग 500 साल का वनवास भी खत्म हुआ है। ये विचार गुड्डा भैया ने आज स्वयं के परिवार की ओर से निर्मित होने वाले राम पायली मंदिर के गेट के समारोह में व्यक्त किए। साथ ही सरकार की वन पथ गमन सूची में राम पलाई का नाम शामिल कराकर एक नई पहचान बनाने के इरादे भी पुरजोर शब्दों में व्यक्त किए हैं। इसके बाद विधायक माननीय प्रदीप जायसवाल द्वारा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की गई और मंदिर प्रांगण में 1000 दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की गई। जिसको हम राम नगरी के रूप में जानते हैं और राम नगरी के रूप में पहचान दिलाने का भी हमारा जो संकल्प था, एक मंत्री के रूप में 1.5 साल में हमने राम पद गमन में इस जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर उसमें भी हमने रामपाली को जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी सरकार उसमें गिर गई। लेकिन उसके बावजूद हमारा प्रयास रहेगा कि रामपाली की राम नगरी को पूरे मध्य प्रदेश में राम पद गमन में जोड़ने का और इसके इतिहास को पूरे मध्य प्रदेश के नक्शे बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। आज आप सबको बधाई देता हूँ कि हमारे प्रभु श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में, जिसका भूमि पूजन हमारे प्रधानमंत्री सर्वसम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने किया और वहाँ के ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं और वहाँ के जितने संत साधु सबके प्रमुख उपस्थिति में पूरे देश ने देखा, तो उसकी मैं आप सभी को बधाई देता हूँ कि प्रभु श्री राम जिन्होंने जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब जीवन की हमारी क्या मर्यादाएं होना चाहिए और एक शासक राजा जिसको होते हैं राजा की क्या मर्यादा होना चाहिए, वो चीज भगवान राम ने करके दिखाया, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है।